जी अब जब भी हम इग्नू में एडमिशन लेते हैं, कोई किसी भी कोर्स के लिए लिया हो, तो हमारे मन में जब भी हमने लिया था सबसे पहले यही कि इग्नू डिग्री वैलिड होती भी है या नहीं, क्या इग्नू डिग्रीज का हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इग्नू डिग्रीज जो है वैलिड नहीं है, या इग्नू को मान्यता नहीं है, या इग्नू को सर्टिफिकेट जो है नहीं मिले हुए, तो उनको उनको नौकरियों में अप्रूव नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इग्नू की डिग्री हर सरकारी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप आईएएस भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी, और हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू डिग्री जो है वैलिड होती है। इग्नू डिग्री को हर तरह के उसमें मान्यता मिली हुई है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा देखिए AIU से भी इग्नू को मान्यता मिली हुई है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से इसको मान्यता मिली हुई है, और इसको यूजी से भी मिली हुई है। UGC इंडिया में सबसे बड़ी, जैसे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करती है, वैसे तो स्वायत्त है वो, मतलब इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको भारत की सबसे बड़ी वो माना जाता है UGC को, तो उससे भी मान्यता मिली हुई है। और कब मिली थी? सर्कुलर लेटर नंबर F1552/2000 CPP 2, 5 मई 2004 को इसको मान्यता मिल गई थी इग्नू को, ठीक है। तो इग्नू की हर डिग्री जो है वो वैलिड है। साथ ही उसको AIU से कब मान्यता मिली? EV11449941769 15 और 177115। तो ये सर्कुलर लेटर्स हैं जिनमें साफ लिखा हुआ है जब उसको मान्यता मिली थी, ठीक है। ये सर्कुलर लेटर इशूज किए गए थे कि इग्नू को जो है मान्यता जो है दी जाती है। ये जनवरी 14, 1994 को इसको मान्यता मिल गई थी। साथ में AICTE और UGC दोनों तरफ, AICTE जो है ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो AICTE से ही मान्यता प्राप्त होती हैं, तो इसको यहाँ पर से भी मान्यता मिली हुई है। तो ये जो है पूरी तरह वैलिड है इग्नू की डिग्री, और आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। आप इसका ना इस्तेमाल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, आप अगर यहाँ पर से ग्रेजुएशन किया तो मास्टर्स के लिए कर सकते हैं, और साथ में आप किसी भी नौकरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।